रमन की रसोई में बनने जा रही है सुपर टेस्टी और सुपर डिलीशियस रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। और आप देख सकते हैं हमारे जो पास्ता हैं कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार हुए हैं। और हम इसे घर पर कम से कम 10 या 15 मिनट के अंदर ही झटपट बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं पास्ता दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं तो खाने में कितने अच्छे होंगे। आप एक बार ही सर्दियों में इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। तो चलिए रेड सॉस पास्ता की रेसिपी को बनाना शुरू करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पास्ता बनाने से पहले हमें उसे उबालना है, तो सबसे पहले गैस के ऊपर एक पैन या कढ़ाई रख लें। पैन के अंदर 2 से 3 गिलास पानी डालें। पानी डालने के बाद अब इस पानी को ढक दें और इसे 3 से 4 मिनट के लिए गर्म होने के लिए छोड़ दें। 4 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर देखें और आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है कितनी अच्छी तरह उबल रहा है। अब मैंने इसके अंदर आधा कप पास्ता डाला है। आप पास्ते की मात्रा अपने अनुसार कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इस पास्ते को पानी के अंदर अच्छी तरह मिला दें। मिलाने के बाद पानी के अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालें। तेल हमने इसलिए डाला है जब हम पास्ता को पानी से बाहर निकालेंगे तो ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगे, इसलिए हमने तेल का प्रयोग किया है। तेल डालने के बाद इसके अंदर आधा छोटे चम्मच नमक डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह एक बार मिला दें। मिलाने के बाद अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसे कम से कम 5 या 6 मिनट के लिए अच्छी तरह उबलने के लिए छोड़ दें। 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह उबल रहे हैं। ढक्कन उठाकर देखें। अब एक पास्ता को ले, उसे अच्छी तरह काट कर देखें। अगर अच्छी तरह कट रहा है तो हमारा जो पास्ता है अच्छी तरह उबल कर तैयार है। अब इसे एक बार अच्छी तरह चला दें। चलाने के बाद अब इसको एक तरफ रख दें। फिर मैंने यहाँ एक पतीले के ऊपर छलनी रखी है। अब उसके अंदर जो पास्ता है उसे अच्छी तरह छान लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप अपने पास्ता उबाल रहे हो तब भी आप तेल डाल सकते हैं, और आप छानने के बाद भी इसके अंदर तेल डाल सकते हैं। दोनों जगह ही हमारे जो पास्ता है एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। अब इसे एक बार अच्छी तरह मिला दें। छानने के बाद अब इन पास्ता को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। फिर मैंने यहाँ पास्ता के अंदर डालने के लिए एक नॉर्मल साइज का प्याज, 2 लहसुन के टुकड़े, 3 हरी मिर्च और आधा टमाटर लिया है। अब जो प्याज है उसे बिल्कुल अच्छी तरह छोटा छोटा टुकड़ों में काट कर तैयार कर लें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा हम प्याज को काट कर तैयार करेंगे उसी प्रोसेस के साथ हमें जो टमाटर है उसे भी अच्छी तरह छोटा छोटा और बिल्कुल टुकड़ों में काट कर तैयार करना है। और हम जो हरी मिर्च और जो लहसुन है उसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को काटते जाए आप इन चीज़ों को एक तरफ करते जाएं। कुछ देर के बाद मैंने प्याज को काट दिया है, प्याज को एक तरफ कर दें। इसी प्रोसेस के साथ जो टमाटर है उसको भी अच्छी तरह बारीक काट कर तैयार कर लें। कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को भी अच्छी तरह बिल्कुल बारीक काट कर तैयार कर लिया है। टमाटर को काटने के बाद अब इस टमाटर को भी एक साइड कर दें। फिर मैंने यहाँ लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाने के लिए छोटी कुंडी ली है, उसके अंदर लहसुन के टुकड़े डाल दें। जो हरी मिर्च है उनका जो आगे वाला हिस्सा उसे तोड़कर डालें। डालने के बाद अब इसे इसका जो बिल्कुल एक दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। कुछ देर के बाद मैंने आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार किया है। लहसुन डालने से हमारा जो पास्ता उसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए पास्ता बनाना शुरू करें। सबसे पहले गैस के ऊपर एक कढ़ाई या पैन रख लें। कढ़ाई के अंदर 1 से 2 बड़े चम्मच घी डालें। घी को अच्छी तरह पिघलने के लिए छोड़ दें। कुछ देर के बाद घी अच्छी तरह पिघल चुका है, आधा छोटे चम्मच जीरा डालें। जीरे को घी के अंदर अच्छी तरह मिला दें और 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह धीमी आँच पर भून लें, जिससे हमारा जो जीरा है वो काला हो जाए। 3 मिनट के बाद हमारा जीरा अच्छी तरह काला हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो पेस्ट डालें। अब उस पेस्ट को भी बिल्कुल अच्छी तरह मिला दें और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह पक रही है। उसी के साथ साथ इसके अंदर हमने जो प्याज काट कर रखा था वो प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह मिला दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आँच पर भूनें, जिससे हमारा जो प्याज है वो हल्का सुनहरा हो जाए। 1 मिनट के बाद प्याज के ऊपर ढक्कन लगा दें, जिससे हमारा जो प्याज है वो जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। 1 मिनट के बाद ढक्कन उठाएं और आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह पककर तैयार है। अब इसे एक बार अच्छी तरह चला दें। लाने के बाद अब इसके अंदर जो हमने टमाटर काट कर रखा था वो टमाटर डाल दें। अब इस टमाटर को प्याज के अंदर अच्छी तरह मिला दें
और इसे भी अच्छी तरह पहले तो 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऊपर भी ढक्कन लगा दें और इसे भी अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें। 3 मिनट के बाद ढक्कन को उठाएं और आप देख सकते हैं टमाटर के साथ साथ जो बाकी चीज़ें हैं वो भी अच्छी तरह पककर तैयार हैं। इसे एक बार अच्छी तरह चला दें। चलाने के बाद अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच नमक डालें। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। नमक के साथ साथ आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालें। हल्दी पाउडर के साथ साथ आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालें। धनिया पाउडर डालने के बाद अब इन मसालों को अच्छी तरह मिला दें और 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर भून लें। 2 मिनट के बाद सारे मसाले पककर तैयार हैं। अब इसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच टमाटो केचप डालें। टोमेटो केचप का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि हम जो पास्ता बना रहे हैं वो रेड सॉस बना रहे हैं। अब केचप को भी अच्छी तरह मिश्रण के अंदर मिला दें और 1 से 2 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छी तरह हल्के हाथों से चला लें। जब भी अच्छी तरह पक जाए तो इसके अंदर हमने जो पास्ता उबाल कर एक तरफ रखे थे वो डालें और आप देख सकते हैं हमारे जो पास्ता वो एक दूसरे से नहीं चिपके हैं, इसलिए हमने पानी के अंदर तेल डाला था। अब पास्ता को भी अच्छी तरह हल्के हाथों से मिला दें और आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से और कितनी झटपट मिल रहे हैं। 2 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह मिला दिया है। अब इसके अंदर 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डालें। पानी डालने से हमारा जो मिश्रण है वो पास्ता के अंदर बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा। अब पानी को भी अच्छी तरह मिश्रण के अंदर मिला दें। मिलाने के बाद अब इसके ऊपर ढक्कन लगा दें और इसे कम से कम 2 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। 2 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर देखें और हमारे पास्ता बिल्कुल अच्छी तरह बनकर तैयार है। अब जो गैस की फ्लेम है उसको बंद कर दें। इसे एक बार अच्छी तरह हल्के हाथों से चला दें। अब पास्ता को नीचे उतार लें। हमारे पास्ता बिल्कुल झटपट और घर पर बनकर तैयार है। पास्ता बनाने के बाद अब इस पास्ता को एक प्लेट में निकाल लें और हमारे जो रेड सॉस पास्ता की रेसिपी है घर पर कितनी जल्द और झटपट बनकर तैयार हो चुकी है। तो कुछ देर के बाद मैंने पास्ता डाल दिया है। पास्ता के बीच में टोमेटो केचप रख लें। टोमेटो केचप रखने के बाद अब पास्ता के ऊपर डेकोरेशन के लिए कुछ धनिया पत्ता डाल दें और आप एक बारी इस रेड सॉस पास्ता की रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट कर बताना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। धनिया पत्ता डालने के बाद अब पास्ता के ऊपर थोड़ी सी सूखी मेथी डाल दें और हमारे जो रेड सॉस पास्ता है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर पर बनकर तैयार हो चुके हैं। और हमने इन पास्ता को घर पर बिल्कुल आसान तरीके से और कम सामान से बनाकर तैयार किया है। देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली आसान और झटपट रेसिपी के साथ। तब तक खाओ पियो मजे करो और इस रेसिपी को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलो।